वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में अपना रेसिपी मैनेजमेंट देखा था कि हम रेसिपी कैसे बनाते हैं, आज हम देखेंगे कि इसके अंदर एक और न्यू फीचर्स है ट्रेंड्स का। कि ट्रेंड्स क्या होता है? ट्रेंड्स हम बेसिकली यहाँ पर अपने जो चेंज हो रहा है प्रोसेस में, हम उसको टाइम टू टाइम चेक करते हैं, तो इसी चीज को ट्रेंड्स कहते हैं। जो हमारा चेंज हो रहा है टाइम में, हम उसको ट्रेंड्स कहते हैं। तो हम उसके लिए कैसे बनाएंगे एक विंडो देखते हैं। तो सबसे पहले न्यू विंडो ले लिया, उसका नाम मैंने ट्रेंड्स दिया, सेव किया, ओके, अगेन रिसाइज किया, और विजार्ड में से जाके मैंने ये स्लाइडर को पिक कर दिया, जिससे मैं अपनी वैल्यू कम या ज़्यादा अपने हिसाब से घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा। और टैग नेम को मैंने सेम वही S1 नाम दे दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, अपना भी नाम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं। बस हमें डिफाइन क्या करना है कि वो वैल्यू कैसी है, एनालॉग है या कैसी है। जैसे मैंने S1 में डिफाइन क्या कर रखा है, मेमोरी रियल यानी एनालॉग वैल्यू रियल और मेमोरी रियल, और मिनिमम वैल्यू कितनी है 0 और मैक्सिमम कितनी है 100। स्लाइडर जब 100 तक है तो 100 तक ही वैल्यू जानी चाहिए, ज्यादा तो चाहिए नहीं मुझे। ओके, तो क्लोज करते हैं इसको और इसको मैंने सेव करा दिया। अब मैं फिर से विजार्ड्स में जाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए लास्ट थर्ड में ट्रेंड्स लिखा हुआ है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आता है 16 पेन ट्रेंड, तो मैं इसको पिक कर लूंगा। डबल क्लिक किया और विंडो पे आकर क्लिक कर दिया, तो आपके पास ये कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। अब आप इस पर डबल क्लिक करिए तो देखिए एक नई विंडो पॉपअप हुई जिसका नाम है पेन ट्रेंड कंट्रोल। ऑब्जेक्ट नेम हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम या तो इसको अपने प्लांट का नाम डाल देते हैं। मान लीजिए कि ये जो ट्रेंड है ये बॉटलिंग का है, तो मैंने इसको बॉटलिंग के नाम से डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए मैंने इसको पेन ट्रेंड ही छोड़ दिया। आप जो भी डालना चाहो वो डाल सकते हो, तो मैंने इसका नाम पेन ट्रेंड कर दिया। अब मुझे यहाँ पे टैग नेम डिफाइन करने हैं, तो देखिए यहाँ पे 16 पेन का है ये। जैसे कि हमने अभी नाम देखा था यहाँ पर ट्रेंड्स में जाके, तो यहाँ क्या लिखा हुआ था 16 पेन। तो ये एक ग्राफ 16 टैग नेम को एक साथ दिखा सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे कितने हैं 16 दे रखे हैं आपको। तो मैंने यहाँ से इसका कलर चूज कर लिया, मान लीजिए इसका कलर ले लेता हूँ मैं येलो, और मैंने अपना यहाँ पर टैग नेम डिफाइन कर दिया S1, या आप कहीं भी डिफाइन कर दीजिए S1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने यहाँ डिफाइन किया 7वें नंबर पर या पहले नंबर पर, कहीं भी डिफाइन कर दीजिए। तो ये यहाँ आपने अपना टैग नेम लिखा और एंटर कर दिया। टाइम एक्सिस फॉर्मेट में आपने जाके देखा यहाँ पर अपडेट रेट कितना दे रखा है 2 सेकेंड, और जो पूरा ग्राफ है वो कितने सेकंड का है 60 सेकंड का। तो मैं चाहता हूँ जो मेरा ग्राफ है वो हर सेकंड अपडेट होना चाहिए। इसकी नोटेशन 1 सेकेंड की है और स्पैन कितना है 60 सेकेंड की जगह मैंने मान लीजिए इसको कर दिया 120 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर टाइम 29 और यहाँ पर 29, यानी ये टाइम दिखा रहा है आपका कि ये स्टार्ट, ये लास्ट टाइम है आपका और ये अपडेट टाइम है। जो गुजर चुका टाइम वो पास्ट टाइम यहाँ आएगा, और जो आएगा वो यहाँ पर आएगा, जो मतलब प्रेजेंट में टाइम चल रहा है। तो अब देखते हैं रन टाइम में जाते, रन टाइम में जाके देखिए यहाँ पर 59 और यहाँ पर 35, ये है 19 और ये है 21। तो ठीक हमारे पास कितने टाइम का फर्क है, 2 मिनट का, 19, 20 और 21। अब देखिए मैं यहाँ से अपने स्लाइडर की वैल्यू अप करता हूँ और डाउन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये येलो कलर की लाइन आ गई है। अब मैं देखिए जल्दी जल्दी अगर इस चीज को अप डाउन करूंगा तो देखिए ग्राफ बनने लगा मेरा, यानी ये मुझे वैल्यू में चेंज बता रहा है कि देखिए कितना वैल्यू में चेंज आ रहा है। तो मैं अपनी इस वैल्यू को किस फॉर्मेट पे देख रहा हूँ, ग्राफ पे देख रहा हूँ इस चीज को। देखिए अब मैं अपने स्लाइडर को स्लोली स्लोली अप लेके जाऊंगा, स्लोली स्लोली डाउन लेके जाऊंगा, तो देखिए ये भी कुछ इसी तरीके से बिहेव करेगा। जैसे फील्ड से टेम्परेचर आता है, कोई भी चीज है, एनालॉग सिग्नल आता है, तो हम उस चीज को इसी फॉर्मेट पे देख रहे हैं, यानी ग्राफ पे देख रहे हैं। अब देखिए बैक में जाते हैं, अब मैं इस चीज को
विंडो स्क्रिप्ट के थ्रू रन कराना चाहता हूँ। जैसे विंडो स्क्रिप्ट में मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो स्लाइडर है वो ऑटोमेटिकली 100 तक जाए और फिर एकदम 0 पर आ जाए, फिर 100 तक जाए, फिर 0 तक आ जाए। तो इसके लिए मैं एक लॉजिक लिखता हूँ। इफ S1 यानी स्लाइडर का नेम दे दिया मैंने, S1 इज लेस देन इक्वल टू 100, यानी लेस देन 100 है, देन S1 इक्वल टू S1 प्लस 1 और कॉलन दे दिया मैंने यहाँ से, और फिर इसके लिए लिखता हूँ L S1 क्या रहना चाहिए, इक्वल टू 0। और फिर हमने दिया एंड इफ की कंडीशन, और यहाँ पर दिया हमने 1 माइक्रो सेकेंड का टाइम, कन्वर्ट किया, वैलिडेट किया, ओके किया और ये रन टाइम में चले गया। अब देखिए जो मेरा स्लाइडर है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही 100 तक जाएगा और फिर 100 के बाद रिटर्न हो जाएगा 0 पर। देखिए फिर से ये 0 पर ही रिटर्न हो गया, फिर से इसी तरीके से ये जाएगा 100 तक, अगेन ये फिर से रिटर्न हो जाएगा। तो ये था आपका ट्रेंड्स, कि आपका ट्रेंड्स किस तरीके से वर्क करता है। अब आप कितने भी स्लाइडर ले लीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और स्लाइडर ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने एक और स्लाइडर, इसका नाम मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पर S2। सेम उसी तरीके से अब यहाँ पर जाके मैंने एक और स्लाइडर का नाम डाल दिया S2। S2 एंटर किया, डन किया। अब आपको दो ग्राफ दिखेंगे यहाँ पर, एक तो देखिए ऑटोमेटिकली स्लाइडर मेरा रन कर रहा था S1 वाला, तो उसकी वैल्यू यहाँ आने लगी, और देखिए मैं इस चीज को दूसरे स्लाइडर को अप डाउन कर रहा हूँ तो देखिए ये सेकंड वैल्यू यहाँ पर शो करता है। आप कितने भी इस पर इस तरीके से स्लाइडर ले सकते हैं अप टू 16। अगर आपको 16 से ऊपर दिखाने तो आप इसमें एक और 16 पॉइंट ट्रेंड ले लीजिए, कुछ इस तरीके से ले लीजिए उसको। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है सिर्फ मेरा S2 शो होना चाहिए और इसमें सिर्फ मेरा S1 शो होना चाहिए, और मैं यहाँ से ये विंडो स्क्रिप्ट का फॉर्मेट डिलीट करके ओके कर देता हूँ, और ये देखिए मेरा रन टाइम में गया। तो अब देखिए मेरे पास ये दो ट्रेंड है, एक पहला वाला जो है वो सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को शो करेगा और दूसरा वाला सिर्फ मेरे दूसरे स्लाइडर को शो करेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में हम देखेंगे हिस्टोरिकल ट्रेंड को।